मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर सुबह से ही बारिश मेहरबान है। तकरीबन 3-4 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, उसके चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। हम बाणगंगा के चौराहे पे हैं, उस चौराहे में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पानी भरता है, हर बार भरता है, और इस बार ऐसा पानी भरा है कि 2 या 3 गाड़ियां खराब होके बीच में रुकी पड़ी हैं। और ये वो जगह है जहां पर हर बार पानी भरता है, मगर सबके बावजूद प्रशासन को सीखने और समझने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पानी को रोका जाए, पानी को हटाया जाए। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके यहाँ पे अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, नए नए रास्ते से जाने की सोच रहे हैं कि कहाँ से निकल के जाएं, और ये पूरा पानी जो नाले में जाना चाहिए इस पूरी सड़क पर लबालब भरा हुआ है। लोग परेशान हैं और प्रशासन को सुध नहीं है कि हर बार जो यहाँ पानी भरता है इसको कैसे निकालने की कोशिश की जाए। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 25 से 30 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो चुकी है। जो जुलाई का पानी का कोटा है वो पहले ही पूरा हो चुका है, तकरीबन 85% ज़्यादा पानी बरस चुका है। और आप देख सकते हैं कि सामने एक मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल भी एकदम फंसने की स्थिति में आ गई है, और लोग परेशान हैं कि इस जगह से निकलें तो आखिर निकलें कहाँ पर। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हुआ है कि भोपाल में अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होगी। ये क्या यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही तुमको? हाँ दिक्कत हो रही है, तो बार बार यहीं से निकलते हो? हाँ यहीं पे से। तो हर बार यहाँ पानी भरता है? हाँ हर बार ही भरता है। हर बार पानी भरता है, मगर सबके बावजूद प्रशासन को सीखने और समझने को तैयार नहीं है। लोग नए नए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहां से निकल के जाया जाए। अगले 24 घंटे में तेज बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया, यानी कि भोपाल के लोगों के लिए कोशिश है कि सतर्क रहने को कहा गया है, सावधान रहने को कहा गया है कि अगले 3-4 घंटे में और तेज बारिश होगी। भोपाल के अलावा नर्मदापुरम संभाग, हरदा, इन जगहों पर भी काफी तेज बारिश हो रही है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में ऐसी बारिश हो रही है कि कुछ इलाकों में बारिश है मगर कुछ इलाके अभी भी सूखे हुए हैं, खासकर बुंदेलखंड, बघेलखंड और चंबल के इलाकों में पानी अभी भी गायब है। जो पानी गिर रहा है वो मध्य भारत और मालवा और निमाड़ के इलाकों में ही ज्यादा गिर रहा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में सब जगह पर बारिश गिरेगी। और फिलहाल तो भोपाल के लोग परेशानी बारिश से झेल रहे हैं। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़ भोपाल।